जिला हमीरपुर में कोरोना से जुड़ी खबर आई है। जिला के उपमंडल बड़सर के बिजड़ी क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिल्ली से परिवार सहित लौटे 41 वर्षीय व्यक्ति का सैंपल 2 दिन पहले ही लिया गया था और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होते ही व्यक्ति को राधा स्वामी चैरिटेबल फोटा कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने 2 बच्चों और पत्नी सहित टैक्सी लेकर बड़सर पहुंचा है और कुछ दिनों से बीमार चला हुआ था। इसके साथ प्रदेश में कुल एक्टिव केस 7 और कोरोना संक्रमण के कुल 47 मामले हो गए हैं। एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर ने कहा कि पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार में 10 सदस्य हैं और 5 अन्य लोग प्राइमरी कांटेक्ट में आए हैं। इसके अलावा 18 लोग सेकेंडरी कांटेक्ट में भी आए हुए हैं। इन सभी के सैंपल भी जल्द ही लिए जा रहे हैं। अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया कि 29 अप्रैल को ही व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली से बड़सर लौटा था। लक्षण दिखाई देने पर उसके सैंपल लिए गए थे जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार में 10 सदस्य हैं और 5 अन्य लोग प्राइमरी कांटेक्ट में आए हैं। इसके अलावा 18 लोग सेकेंडरी कांटेक्ट में आए हैं। इन सभी के सैंपल भी जल्द लिए जा रहे हैं। पिछले कल मतलब पिछले कल आज सुबह जल्दी जो है हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक जो सैंपल्स हम रेगुलरली भेज रहे हैं उनमें से एक पॉजिटिव आया है। ये बिजड़ का मामला है। इसमें जो व्यक्ति हैं उनकी हमने चेक पोस्ट पे जब डिटेल चेक की कि वो कब उनका आना हुआ और क्या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, तो उसके हिसाब से हमें पता चला कि 29 को ये हमीरपुर आए हैं। हमीरपुर में हमारे चेक पोस्ट के जो हमने एक एप्लीकेशन बना रखी उसमें इसका डेटा है, इनकी डिटेल्स प्रेजेंट थी उसमें। उससे उसके बाद हमने इनसे बात की तो उससे हमें जानकारी ये मिली है कि ये 29 को एक टैक्सी लेके दिल्ली से यहाँ आए हैं हमीरपुर। उस टैक्सी में इनका परिवार भी प्रेजेंट था, इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे। टैक्सी जो है वो वापस जा चुकी है, अपने वापस दिल्ली जा चुकी है। ये जो व्यक्ति हैं ये दिल्ली में ही काम करते हैं और यहाँ पे इनका परिवार जो है रहता है, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 10 मेंबर्स हैं जो कि अब क्योंकि ये पॉजिटिव आए हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट बन चुके हैं। उनका भी मेडिकल टीम जो है जांच कर रही है। इसी तरह उनके कॉन्टैक्ट में कुछ और व्यक्ति भी आए हैं। टोटल हमने प्राइमरी कॉन्टैक्ट की अभी लिस्ट जो बना रखी है उसमें 15 लोग हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कुछ और अगर इसमें आते हैं तो उनको भी ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हमारी जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है वो भी अभी बन रही है और वो भी काफ़ी विस्तार से हम डिटेल में उसको चेक कर रहे हैं। इनको आज सुबह ही जो है अपने हॉस्पिटल भेज दिया गया जहाँ पे उनको एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में, आइसोलेशन क्वारंटीन में रखा जाएगा और साथ ही साथ जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है उनका प्रायोरिटी बेसिस पे जो है टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में एक बार्बर भी आया है। बार्बर ने बाद में 5-6 लोगों की कटिंग की है और इन सभी का सैंपल लिया जा रहा है। वहीं बार्बर पर पुलिस कार्रवाई भी अमल में लाएगी। हाँ, ये हमको पता चला है कि जब ये अपने घर में थे तो किसी एक लोकल हेयर कटिंग करने वाले व्यक्ति ने जो है इनके घर में गया और इनके परिवार के लोगों के हेयर कटिंग की है। हमने जब ये इंक्वायरी की और इसमें और जानकारी चेक की है तो हमको ये पता चला है कि ये इस व्यक्ति ने 5-6 और लोगों के साथ भी जो जाके हैं हेयर कटिंग कराई है। हालांकि ये क्लियर दिशा निर्देश है कि ये जानते हुए भी कि आप कि इस व्यक्त इस समय में आप लोग जाके इस तरह की हेयर कटिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ पूरी तरह बंद हैं, फिर भी ये व्यक्ति गया। इसके ऊपर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इनका सैंपल भी लिया जा रहा है और आगे हम कार्रवाई इसके बाद करेंगे। नहीं, एज़ पर इन्फॉर्मेशन जो मेरे को वहाँ पे लोकल SHO द्वारा मिली है, यहाँ पे एक इनके परिवार में एक बच्चा था जिसको एक चोट वोट लगी है कुछ किसी कारण से, तो उनको उसके लिए इन्होंने जो है 108 की एम्बुलेंस मंगाई थी। परिवार को जो है ये गलती से या एहतियातन जो है ले गए हैं क्योंकि इनका चेकअप करना भी आवश्यक है और वो हमारी, जैसे मैंने कहा, प्राइमरी कॉन्टैक्ट होने के नाते सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उनको इमीडिएटली चेक किया जाए। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, जिसमें जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता है हमको डायरेक्शंस हैं कि उनको कंटेनमेंट जोन में और बफर जोन में डिवाइड किया जाए। तो वही एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जो है हम उसको बंद करेंगे और टेस्टिंग जो है उस पे उस एरिया में जोर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में 17 अप्रैल को 2 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए थे। वह दोनों ही स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद हमीरपुर जिला कोरोना फ्री हो गया था। लेकिन अब फिर से मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।